लगता ही नहीं कि हम लोग छत पे खड़े हैं। 250 के करीब गमले हैं। पहले चिप्स कराई, उसके बाद रुक लगी, प्लास्टिक लगा, बहुत मुझे मजा आया। हर तरह का फूल तकरीबन मेरी बेगम कहती पूरे करो, मैं करता रहा, तो इंशाल्लाह कोशिश करके वो फूल मैं पूरे करता हूँ। मेरे हमसाए जो कहते हैं मजीद हसन सलाते भेजी, तो भी लेके जाते। पुराने घर को तोड़ कर करना मुश्किल है, तो वो 100 रुपए की थैली आती है, पनीरी बनाए और गमले बनाए तो मार्केट में सेल करते। गोल बैंगन लगा हुआ है, लंबा बैंगन लगा हुआ है, सर्दियों में ज्यादा मजा आता है। लाल मूली, दूसरी मूली, सलाद, और इमरान खान साहब ने थोड़ा सा और कर दिया। मैंने कहा खान साहब देखो फिर, ये एक मैंने बड़ी खूबसूरत सी पहाड़ी सी बनाई हुई है, ये फोटो इलाका सेरा वेल का डिजाइन बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल गर्मियों का ये इंजीनियर है, ये वाला, ये मदीने का पुदीना है। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मित्र टीवी और मैं हूं आसिम कमो। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जनाह पार्क गुलबर्ग में, जहां पे एक 57 साल शहरी अब्दुल मजीद शाहिद की जो रूफ टॉप है उसके ऊपर, जहां उन्होंने बहुत महदूद और कम वसाइल रखने के बावजूद अपनी छत को बागीचा बना दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का नारा लगाया, तो अब्दुल मजीद शाहिद साहब ने उस नारे के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए अपने घर की छत के ऊपर, इस वक्त उनके पास कोई 250 के करीब गमले हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, फूलदार हैं, फलदार हैं, सब्ज़ियाँ उगाते हैं। हम अब्दुल मजीद शाहिद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस उम्र में, जब उनकी उम्र 57 ईयर्स हो गई, वसाइल भी उनके पास बहुत कम हैं, तो इस सारे सिस्टम को वो कैसे मैनेज करते हैं, पौधों की खिदमत कैसे करते हैं, उनको पानी कैसे देते हैं, उनकी कटिंग का ख्याल कैसे रखते हैं। नाज़रीन, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि नीचे उन्होंने जो है वो ढाका का ग्रास, जो घास है वो भी उगाई है, और उसके साथ पौधों के बारे में वो डिटेल डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आप बताएं, माशाल्लाह लगता ही नहीं कि हम लोग छत पे खड़े हैं, ये तो पूरा एक बाग का मंजर जो है वो। बस ये कि इमरान खान साहब ने कहा इसका, फिर मैंने डिज़ाइन सोचा, फिर मैंने इस तरह किया कि इसके ऊपर मैंने पहले चिप्स कराई, उसके बाद लुक लगी, प्लास्टिक लगा, बाल डाली गई, घास लगा, फुटपाथ बना गमलों के लिए। फिर मुझे ज़्यादा शौक हुआ, सब्जियाँ शुरू कर दी मैंने, फ्रूट के पौधे भी कुछ हैं। उसके बाद ये हुआ कि बहुत मुझे मज़ा आया, क्योंकि सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इधर आता हूँ, पानी वगैरह देता हूँ, कटिंग वगैरह, पत्ते उठाना, ये करना, सब कुछ करना, उसके बाद आँखों को ठंडक बहुत मिलती है और फिटनेस है मेरे। मॉर्निंग वॉक, खुदा ने ये कोरोना भी ले आया खुदा के वास्ते, उसके लिए भी फिर मुझे घर में ही मॉर्निंग वॉक करनी पड़ी। पहले हम ग्राउंडों में जाते थे, उसके लिए मुझे बड़ा बेनिफिट मिला इस पार्क के बनाने का, ये बात है। और मेरे पास 220 गमले हैं, कम से कम 220 से 250 पनीरियाँ आती हैं, मौसमी पनीरी होती हैं, जैसे सर्दी आती हैं तो मैरी गोल्ड होता है, जाफरी होती है, इस तरह गर्मी है फोटाला का लगा हुआ है, उसके बाद ये खसखस लगी हुई है, गुलाब गर्मियों में मैं ले रहा हूँ बकायदा इसकी हिफाजत करके, गुलाब काफ़ी किस्म का मेरे पास है। हर तरह का फूल तकरीबन मेरी बेगम कहती पूरे करो, मैं करता रहा, तो इंशाल्लाह कोशिश करके वो फूल मैं पूरे करता हूँ। अब्दुल मजीद साहब, पहले हमारे नाज़रीन को आप ये बताएँ कि क्या ये सारा काम जो है आप अकेले इसको देख रहे हैं या घर में फैमिली में भी कुछ लोग? मेरी बेटियाँ, माशाल्लाह 5 बेटियाँ, जिसमें 2-3 बेटियाँ मेरे साथ लगी रहती हैं, जैसे वो हेल्पर नहीं होती, इस तरह करती है पानी देने का। मैं टूर पर भी चले जाता हूँ, उनको सारा समझाया वो पानी क्या है। सर्दियों में पानी देना ज़्यादा मुश्किल, लोग कहते हैं सर्दियों में पानी क्या होता है, सर्दियों में पानी देख कर देना पड़ता है किस पौधे को देना है, किसको देना है। गर्मियों तो चलो ज़्यादा दे भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दियों ने समझाया, बच्ची मेरी माशाल्लाह एक्टिव है, तो पहले परिंदे रखे होते तो उनको भी सिखाया था, अब ये सिखाया है, अब वो माशाल्लाह बड़ी खुश रहती हैं। सब्जियां जो हैं अभी देखे, टमाटर लगे हुए हैं, बैंगन लगे हुए हैं, आप ये बताइए क्या ये ऑर्गेनिक हैं या आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है, नॉन केमिकल है? नॉन केमिकल। तो क्या आप यहाँ से सब्जियां और धनिया और पुदीना तोड़ के घर में पकाते हैं या बाजार का रुख करते हैं? बाजार का रुख तो मौसमी कोई ना आए, जब शुरू में आती है उसके बाद अपनी तैयार हो जाती है हमारी सब्जी, तो 2-2 माह हम तो बाजार से परचेज भी नहीं करते, अपने घर में तैयारी शुरू हो जाती है हमारी सब्जियों की। तो क्या आपकी फैमिली के लिए ये काफ़ी होता है या बाज़ुकात रिश्तेदारों की जो है वो डिमांड्स आती हैं? बेटियाँ भी शादी, बेटी लेकर जाती हैं, मतलब सब भाभी लेकर जाती है, उसके बाद उसे क्या कहते हैं मेरे हमसाए जो कहते हैं मजीद हसन सलाते भेजी, तो वो भी लेके जाते हैं।
अच्छा, अभी मैंने ये देखा, ये दीवार के साथ पाइप काट के आपने प्लास्टर की क्यारी बनाई है, इसका क्या तरीका है? आप नाज़रीन को बताएं अगर कोई साहब अपने घर में ये काम करना चाहे। क्यारी तो मैंने शुरू में जब बनाई थी तो मैंने इसे 50% काटा था, अब मेरा ख्याल है मैं इसे 20% काटूंगा या 40%। 60% की वजह से मिट्टी भी सही आएगी और पानी भी सही होगा और बड़ी पनीरी भी लग सकती है। ये दोपहर बूटी इसे कहते हैं जी, इसे फोटा लाका कहते हैं। और ये मौसमी है या? मौसमी होता है ये, मतलब इम्पोर्टेड है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा एक माह के बाद। इसके बाद डाके का इसे फोटा लाका कहते हैं, वो काफी देर चलता है, वो अगले साल भी निकल आता है, खुद ब खुद निकल आता है। ठीक हो गया। तो अब्दुल मजीद साहब, आप ये बताइए कि क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान जो है, उस नारे को, उस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए आप मैदान में आए, नए लोगों को क्या तलकीन करते हैं कि वो इस फील्ड में आएं और अपने, मतलब आपके पास एक तो जगह मैंने देखा कि नीचे बिल्कुल घर में नहीं है और महदूद वसाइल, जैसे आपने बताया तो घर की छत को आपने बगीचा बना दिया। मैं यही कहूँगा जो नया घर बनाते हैं उसके लिए बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, कोई इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। पुराने घर को तोड़ कर करना मुश्किल है, नया घर बनता है ऊपर फ्रेश होता है, उसके ऊपर चिपस करवा लें, चिपस कराने के बाद उसे लुक लगा लें, प्लास्टिक करा लें, मिट्टी डाल लें और फुटपाथ बना लें, गमलों के लिए बहुत आसान है वो, लेकिन एक्टिव ही बंदा रहता है सबसे बात है। एक्टिव नमाज पढ़ने के बाद सुबह इसको टाइम दे, बंदा एक्टिव है। मेरी उम्र देखें इस वक्त, लेकिन मैं एक्टिव हूँ इसी ये कामों की वजह से। आप ये बताइएगा कि अगर इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, अर्निंग पैसा कमाने के लिए, फिर वो आप ऐसे करें 100-100 गमला पनीरी का लेकर तैयारी करके आप नर्सरी में दे सकते हैं, तो इससे पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि वो 100 रुपये की थैली आती है, उसमें 200 गमला तैयार हो जाते हैं बीज का, पनीरी बनाए और गमले बनाए तो मार्केट में सेल कर दें। तो हमें ज़रा बताएंगे कि किस की कौन कौन सी सब्ज़ी यहाँ आपके पास अवेलेबल है? मेरे पास सब्ज़ी तो मैं उसमें सब होती है, इस वक्त तो गोल बैंगन लगा हुआ है, लम्बा बैंगन लगा हुआ है, मिर्चें लगी हुई हैं, तो घिया तोड़ी लगी थी वो तो ख़त्म हो गई, उतर गई है। इस तरह चीज़ें आती, मौसम के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है, लाल मूली, दूसरी मूली, सलाद, सब चीज़ें सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। ये एक मुस्तकिल काम है, मुस्तकिल ड्यूटी है, कभी घर वालों ने नहीं कहा आपकी अहलिया मुतरमा ने कि मजीद साहब? ये अच्छी बात की है कि मेरी वालदा में गमले का बड़ा पुराना शौक था, कि जब नर्सरी का गमला ले आता था तो वालदा ने एक दफ़ा मुझे कहा क्या तू गमला चुके ले गया, उन्होंने पंजाबी सीधी तरह गल की थी उन्होंने, तो मैं क्या अम्मी जी गल सुनो, मेरा बेटा कोई नहीं, मेरी बेटी बेटी, मेरा शौक है मैं पूरा कर दियो, बाद जो दौलत चीज़ें किन्नी लै जाने मैंने तो नहीं पता है। तो अम्मी ने मैं मशवरा दिता, उस तो बाद अम्मी जी ने अज तक मैंने मना नहीं किया, अम्मी जी मैं माशाल्लाह बड़े नाल एक्टिव ही रहे। फिर आपने अभी बताया कि आपको ये शौक वालद साहब से हुआ, और वालद साहब जो है, चूंकि आप जब इंडिया से माइग्रेट करके आए अमृतसर से, तो उनकी कॉलेज से, उस बारे में थोड़ा सा वालद साहब का इंट्रोडक्शन। खालसा स्कूल के पढ़े थे तो माशाल्लाह उनके वजीफा भी था, सारा पढ़े लिखे थे, उन्होंने काफ़ी मतलब ये काम ठेके पर करते थे वहाँ अमृतसर में, ठेका ले लेते थे सारा, इतने वसाइल नहीं थे कि अपनी ज़मीनें हों, उसकी वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड भी करते थे, तो उस वजह से वो एक दिमाग में जहन थी वालद साहब का, मैंने वो पूरा करके दिखाया, और इमरान खान साहब ने थोड़ा सा गौर कर दिया, मैंने कहा लो फिर खान साहब देखो फिर तुझे। कितने घंटे आप इस बगीचे को डेली? बगीचे को तवार को मैं आधा दिन देता हूँ, बाकी सुबह एक घंटा सिर्फ, सुबह एक घंटा, सुबह मॉर्निंग में एक घंटा, तवार को आधा दिन देता हूँ उसको। नाज़रीन आइए चलते हैं और आपको पौधों के बारे में बताते हैं कि मजीद साहब ने अपने घर में इन गमलों में किस किस किस्म के जो हैं वो पौधे लगाए हुए हैं। माशाल्लाह काफ़ी किस्म के फूल होते हैं मौसमी, जैसे अनार का पौधा है बीच में लगा हुआ, उसके बाद आगे जो वलायती गुलाब हैं इससे कुची कहते हैं, अभी मुकम्मल एक बनेगी बड़ी खूबसूरत इसकी बनेगी एक चीज़, उसके बाद मोतिया है, उसके बाद ये कैक्टस के पौधे हैं, ऐसे जो लॉन शेर पड़ा हुआ है, इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है, ये खसमस खसखस इसे कहते हैं गर्मियों का जो पौधा है, ये सर्दियों में जाफरी की टाइप होता है, तो आजकल गर्मी है, ये सदाबहार है, ये गर्मियों का पौधा है, तो इस तरह ये एक मैंने बड़ी खूबसूरत सी पहाड़ी सी बनाई हुई है, जैसे वो देखना कुदरत खुदा की, आप देखें ज़रा इसके पहाड़ के अंदर से ये खुद निकले हुए हैं और इन्हें पानी देते हैं तो खुद ही माशाल्लाह पत्थर से निकले हैं, पत्थर से निकले हुए हैं ये पौधे जी माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत देखें आप, तो ये मतलब इस तरीके कुजों के अंदर मैंने रखा हुआ है बकायदा, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो काफ़ी ये मनी प्लांट है, बड़ा वाला मनी प्लांट, छोटे वाला मनी प्लांट, न्याज बोल, ये फोटा लाका सेरा वेल का डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये भी शुरू किया था सेरावेल को सेट करने के लिए, टोकरियों भी होती है मौसमी, जो पनीरी आती है वो लगती है बकायदा, और इस टाइम ये वलायती फोटाला का लगा हुआ, इसके बाद डाके का, डाके का ये पड़ा ही हुआ यहाँ पर, डाके का ये वाला है, ये काफ़ी देर निकालता है, ये अगले साल भी निकल आता है इसके अंदर, सही है। हाँ जी, ये ख़त्म हो जाएगा, मौसमी है ये। मजीद साहब हमारे नाज़रीन, इंजीनिया पौधा इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल गर्मियों का ये इंजीनिया है, ये वाला
जिंजीनिया का है, ये छोटे वो संतरे भी इसे कहते हैं हम, इसे वैसे इसे नाम इसका बारहमासी है, संतरा की तरफ पहली तरफ वो संतरे का पौधा भी लगा हुआ, संतरा भी लगा हुआ है। सही, सही। हाँ जी, इस तरह सारा जे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप हमारे नाज़रीन को बताए, ये जो छत के ऊपर आपने ये बगीचा बनाया, क्या छत के लीक होने का, लीकेज होने का खतरा नहीं होता कि इसको पानी मुसलसल? तरीकाकार है वैसे, जैसे प्लानिंग ये वाटरप्रूफ मैंने किया हुआ है। कैसे वाटरप्रूफ किए? चिप्स को मैंने पहले खाने बने, खाने चार खाने बने, उनके चारों खानों में चिप्स लगी है। चिप्स लगने के बाद लुक लगी है, लुक जैसे बचमेंट भी कहते हैं, उसके बाद प्लास्टिक आजकल पूरे साइजों का मिलता है, जितना बड़ा मर्जी साइज ले लें, पूरा प्लास्टर लगाए, प्लास्टर के बाद मिट्टी डाली गई है, मिट्टी डालने के बाद मतलब बाल जैसा कहा जाता है वो गया, उसके बाद साइड पर फुटपाथ बना है, फुटपाथ के ऊपर गमले रखे हुए हैं। कभी किसी मुसाहे के शिकायत नहीं, अब बोलते मेरे नीचे वो पैलिंग हुई है चाक की, अगर होगा तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा लीक शुरू होगी। नाजरीन को बताइए कि आप ये जो मिर्चें हैं ये कौन किस किस्म की हैं और इनकी देखभाल जो है वो करने में आपको क्या करना पड़ता है? ये देखो ये अंगूरों की बेल पड़ी हुई है, इसके बाद ये माशाल्लाह बैंगन, गोल बैंगन इस वक्त लगे हुए हैं। हाँ जी, ये लगे हुए बकायदा, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ इस तरह, अभी एक एक दफ़ा हमने उतार लिए सारे, अभी ये लगने शुरू हुए हैं, दूसरी फूल लगना शुरू हो गया है, एक घंटी आराम से निकल आती है इन पौधों से। हाँ जी, काफ़ी निकलने शुरू हो गए। ये वही डाके का फोटा लाका, ये मिर्चें दोबारा लगाई हैं, पहली मिर्चें माशाल्लाह फल देना शुरू कर दिया है, काफ़ी फल दे रही मिर्चें, इस तरह मिर्चें लगी हैं, ये दे देखें लाल रंग की भी माशाल्लाह। तो ये पनीरी आप बाज़ार से लेके आते हैं? पनीरी हम तैयार भी कर लेते हैं खुद भी, अब इतना तजुर्बा होता जा रहा है। हाँ जी, और ये टमाटर है? ये टमाटर सीजन के बाद एक दफ़ा टमाटर ले लियो जो आपने पहले देखा है, इस तरह हमारी ये सब्ज़ी। ये पुदीना है जी, ये मेरे पास एक पुदीना ये आया है माशाल्लाह मदीने से, ये मदीने का पुदीना है। अच्छा माशाल्लाह, इसको देखें आप, और ये आपको मैं देसी पुदीना पाकिस्तान भी दिखाता हूँ, बड़ी खुशबू है। ये जो कावा पीते हैं उन्हें ज़्यादा पता है, सऊदीया में रहते हैं, कि वाकई इसकी खुशबू वही है, ये पाकिस्तानी पुदीना है। अच्छा, ये पाकिस्तानी पुदीना है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इनमें आपको रंगत का भी और डिज़ाइन का फ़र्क, उसके बाद खुशबू का आपको पता चल जाएगा, जो रहता है सऊदी अरेबिया में उसे फट पता चलता है, हाँ भी वही कावा वही है। बहुत खुशबू है जी माशाल्लाह। तो ये वहाँ से कैसे? गिफ्ट आया था, ये मुहतरमा थी वो देकर गई थी, एक इतनी सी कोली में, ये कोली पड़ी है उसमें से माशाल्लाह, इस कोली में से मैंने ये इतनी सी कोली देकर एक पौधा लगा हुआ था। अच्छा, उसके बाद ये फिर मैंने गमला तैयार किया, अब माशाल्लाह ये इतना बड़ा हो गया है, अब इसके मतलब इससे भी आगे मैं जा सकता हूँ, इसे लेकर इसकी जड़ें बनती रहती हैं, आगे चल सकता है। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब्दुल मजीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने किस तरह अपने घर के तीसरे फ्लोर को जो है वो बगीचे में तब्दील कर दिया, उन्होंने जगह की कमी को आड़े नहीं आने दिया, और एक अवामी शख्स 57 साल उम्र के शहरी अब्दुल मजीद शाहिद, जिनका मुन्नू भाई, अयूब खावर, अमानुल्ला, इन लोगों से दोस्तियां भी रहीं, और आप भी जब इन्हें फुर्सत मिलती है तो ये उन लोगों को जो है वो ज़रूर मिस करते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए आसिम कंबो को इजाज़त दें, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।